पवन सिंह के साथ फिल्म धड़कन से धूम मचाने के बाद शिखा ने वैसे तो कई फिल्मों में काम किया, लेकिन एक वक्त के बाद वो पूरी तरह से गायब हो गई, जिसकी वजह थी उनकी शादी। शिखा शादी के बाद अपने पति और परिवार के साथ वक्त बिताना चाहती थी और इसीलिए वो फिल्मों से गायब हो गई। आपको बता दें कि शिखा मिश्रा की शादी 21 नवंबर 2018 को हुई थी। उनकी शादी उद्योगपति महेंद्र तिवारी के साथ ऋषिकेश उत्तराखंड में हुई थी, जहां भोजपुरी सिनेमा की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। लेकिन उनकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब उन्होंने दो बच्चों को जन्म दिया। दरअसल डिलीवरी की तारीख से 2 महीने पहले ही प्रीमैच्योर बच्चों के जन्म की प्रसव पीड़ा होने पर शिखा को लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहां 2 प्रीमैच्योर नवजात शिशु, पहला लड़का पैदा हुआ जिसकी जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। कुछ घंटों के बाद लड़की पैदा हुई और उसने भी कुछ ही घंटों में दम तोड़ दिया। अपने बच्चों को खोने के बाद शिखा पूरी तरह से गम में डूब चुकी थी, लेकिन अब उन्होंने इस बुरे दौर को भुलाते हुए इंडस्ट्री में दोबारा आने का मन बनाया है। शिखा जल्द अपनी नई फिल्म ओमकारा में नजर आएंगी, जिसकी शूटिंग हाल ही में शिखा के जन्मदिन वाले दिन शुरू की गई है। सेट पर ही एक्ट्रेस का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। फिल्म ओमकारा को शिखा ग्लोबल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया जा रहा है। इसकी प्रोड्यूसर खुद शिखा मिश्रा हैं और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं सुजीत कुमार सिंह। फिल्म में मुख्य किरदार में भोजपुरी बाहुबली नाम से मशहूर एक्टर प्रिंस सिंह राजपूत, रूपा सिंह और ऋतु सिंह निभा रहे हैं। आपको बता दें कि शिखा मिश्रा ने रोड टू संगम, फिर दौलत की जंग, जाने मन, धड़कन जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। शिखा मिश्रा इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। भोजपुरी सिनेमा को वो एक साफ सुथरी छवि वाली पारिवारिक फिल्म देना चाहती हैं। वो हर वर्ग के दर्शकों को देखने लायक फिल्म का निर्माण कर रही हैं, ताकि हर कोई उनकी फिल्म देखकर मनोरंजित हो। पूर्वांचल और भोजपुरी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और पल पल की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।